हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज की वीडियो बहुत खास है और ये वीडियो खास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी के सपोर्ट से बहुत बच्चों की कंप्लेंट भी थी कि सर आपका माइक अच्छा वर्क नहीं कर रहा, माइक बदल लो प्लीज, आप एक बार ना माइक बदल लो, बाकी सारी चीजें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने क्लासेस स्टार्ट किया था और लॉकडाउन से लेके आज तक के जर्नी में हर एक मोमेंट पे आप सभी का सपोर्ट रहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट को और जो इतने भी हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, स्टूडेंट है, या फिर जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, चाहे मेरे टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, कोई भी जितने भी हैं, सभी के मैं एक मन से एक थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो मैंने इतने टाइम से जो भी हमारा फंड वगैरह थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ था, तो मैंने आज माइक भी ले लिया। अब आप बच्चों को, आप वॉइस आ रही होगी आपके पास, तो आपको पता लग रहा होगा कि वॉइस क्वालिटी क्या आ रही है, तो माइक में अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेन ना वॉइस होती है। और मैं बहुत परेशान था और यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल रहा था, लाइव क्लासेस भी इनफैक्ट मैं एप्लीकेशन पे ले रहा था, तो वो बच्चे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे मैंने। और प्लस हमने अपना सेटअप भी पूरा एक बनाया है जिसके अंदर आपको बिल्कुल टाइम पे अब क्वालिटी कंटेंट और भी बेहतर आने वाली है आपके पास। देखने विजुलाइज में तो साथ के साथ ही आपको वो सारी चीजें मैं देने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने एक अपना, पहले मैं कहीं और पढ़ाने जाता था और जहाँ मैं पढ़ाता था फिर वहाँ पे टाइम स्लॉट का बड़ा इशू रहता था, तो मैं अपनी बहुत सारी चीजें बातें नहीं कर पाता था, क्योंकि एक टाइम बन जाता है सर कि आपके पास 1 घंटे अवेलेबल है तो आपको इससे इस टाइम में निकलना है वहां से, नहीं तो फिर अगली क्लास वहां कैंसिल हो जाएगी। अब अपने टाइम को मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब 1 घंटे की जगह पे 2 घंटे भी क्लास ले लूँ ना, तो मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है क्योंकि मैं अपने प्लेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पहले बीच में टॉपिक मुझे अपने हिसाब से लेके चलना पड़ता था और टॉपिक जो था अपने हिसाब से, इन द सेंस के मुझे क्लास के हिसाब से टॉपिक लेके चलना पड़ता था कि भाई 1 घंटे बाद दूसरी क्लास अगर आएगी तो हमें छुट्टी करना है, तो उसके हिसाब से टॉपिक। अब वो मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बार जो स्टडी होने वाली है वो तोड़ स्टडी करेंगे इस बार हम, और मैं गारंटी बोलता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा इस बार आप सभी के लिए कि आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल, अगर आपने सभी लेक्चर मेरे लिए तो आपका बाहर आए। और आपको और में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी आते होंगे, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा। आपको एग्जाम में एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये भी आता है और ये भी आता है, अब दोनों में से मैं कौन सा करूं, ये होने वाला है। तो इस हिसाब से मेहनत करेंगे। बुक्स वगैरह मैंने बता ही दिया और आज मैं बुक्स का भी रिव्यू कर दूंगा। आज फर्स्ट क्लास मैं लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास आज मैं लूंगा, और जो फर्स्ट क्लास मैं लूंगा ये टाइमिंग जो है मैं रखने जा रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। वैसे 16 अगस्त से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो ऑनलाइन लेने वाले हैं, तो जितने ही बच्चे आज फर्स्ट क्लास, आज 6:30 से मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा और 6:30 से लेके अराउंड 8:30 तक की क्लास रहेगी। मैंने कहा कि मेरे पास अब बाउंडेशन नहीं है, तो सो दैट मैं लंबी क्लासेस भी ले सकता हूँ और सिलेबस को बिल्कुल डेप्थ में मैं लेके जा सकता हूँ। जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, उसके अंदर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, कहते ना कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में और बहुत सारी चीजें आज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स और भी आ जाएंगे हमारे पास, है ना? तो सर 6:30 क्लास रहेगी, 6:30 to 8:30। सेमेस्टर थ्री के बच्चे जितने भी हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है, चाहे बच्चा ऑनर्स का हो प्रोग्राम का हो। बच्चों का कहना है सर अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ क्लास, या फिर हमारा रिजल्ट अभी आया नहीं है, या फिर अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या सब्जेक्ट, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई सेमेस्टर 3 आप में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कोर सब्जेक्ट है, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 के अंदर कोर सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रोग्राम के अंदर एक ऑप्शन है। तो भैया कोई भी बच्चा हो जिसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आज के क्लास में ज्वाइन हो सकता है, और YouTube पे भी इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी, YouTube पे लाइव और एप्लीकेशन पे लाइव। अगर आप R&D करते हो, कुछ बच्चों को लगता है कि सर ना बोल YouTube पे जानबूझ के लाइव नहीं आते, तो मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं, आप YouTube पे सर्च मार सकते हैं,
एट अ टाइम एक कैमरे का क्या दो जगह इस्तेमाल हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे लाइव चले जाऊं और साथ के साथ मैं वहां लाइव चले जाए, तो एट अ टाइम बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजों को करना, और उसके लिए सिस्टम भी है भी चाहिए, क्योंकि मैं जो सारे वीडियो बनाता हूँ कहीं ना कहीं इसमें OBS का, आप सभी बच्चे मेरे से, इतने सारे बच्चे हैं जो गेम वगैरह के भी अपने खुद के चैनल है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टिव वो पोजीशन पे भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे, तो OBS के थ्रू, और सिस्टम बहुत हैवी चाहिए, नहीं तो जितना स्मूथली मैं बोल रहा हूँ आपको पास जा रहा है मेरी आवाज को लेके, फिर सिस्टम लैग होगा अगेन, तो वो चीजें हैं। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी आपकी, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। जिन बच्चों को लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस लेनी है, वो एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं सर, और इसके अंदर आपको लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और प्लस रिकॉर्डेड के साथ साथ आपको यहाँ पे डाउट सेशन वगैरह भी, सारी चीजें जितनी भी हो सकती है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा, डिटेल कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन बच्चों को अभी ज्वाइन होना होगा वो जो ज्वाइन हो जाएंगे। यूट्यूब पे मैं मना करने का मेरा मेन रीजन क्या है, यूट्यूब पे मैं मना क्यों करता हूँ बच्चों को, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है, बस ये रीजन है। मैं एप्लीकेशन नहीं तो मैं फुल्ली यूट्यूब पे चले जाऊं, लेकिन जो बच्चे अपने को बोलते हैं कि सर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आज के टाइम पे मैं यूट्यूब चैनल अगर चलाऊं तो मैं खुद परेशान होता हूँ, मैं ओपन नहीं करता, बस जस्ट बच्चों के कमेंट के लिए मैं करता हूँ। तो मैं यूट्यूब चलाऊं ना तो मेरे को काम की चीज जैसे है ना कि कम मिलती है, अगर आप देखिए एंटरटेनमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे तो फाइन है सर, फाइन है। अब कहाँ गया भाई, एंटरटेनमेंट चाहिए तो फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप स्टडी कर रहे हो तो दिक्कत है। मैं दिखाता हूँ, देखो अब मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि भाई इतने सारे जो है एड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं जितना हमें काम नहीं करना शॉर्ट्स है, कहीं ना कहीं हमारा माइंड ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। पढ़ने के लिए मेरा मानना है बच्चों कि आप कंसंट्रेट होके पढ़िए, क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज है जो कि ऐसे ही नहीं किया जाता, समझ रहे ना बात आपको, तो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा माइंड को अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा और उसके हिसाब से पढ़ना होगा, तो उसके लिए, क्योंकि आप यूट्यूब का प्रीमियम को भी कंपेयर करते हैं ना, तो आप सभी बच्चे जो है, बहुत बच्चे प्रीमियम खरीदते भी हैं, और प्रीमियम कितने का लगभग कॉस्टली होता है मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं लिया प्रीमियम कभी, पर बच्चे बोलते हैं कि 1000 रुपये के आसपास महीने का पड़ता है। तो जो बच्चा यूट्यूब प्रीमियम में एक्सपेंस कर सकता है, तो मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका माइंड, आप हर बच्चे की देखो कैपेसिटी ना अलग अलग है, कोई बच्चा तो भाई यहाँ पे शादी भी हो रहा है तो पढ़ लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डेडिकेटेड है, उन बच्चों के लिए तो भैया यूट्यूब से भी पढ़ लेगा और बहुत अच्छा कर लेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि घर के अंदर अगर टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज हो गया, बोलते हैं टीवी बंद करना, मेरे पेपर आ रहे हैं, पढ़ने में सारा दिमाग ऐसे जा रहा है, तो उन बच्चों का माइंड, तो देखो दिमाग हर बच्चे का अलग है, हर किसी का अलग है, तो जिनका डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, नंबर नहीं आ पा रहे पेपर में, और उस हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, सोचते भी, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, तो आप समझिए आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपके अंदर एबिलिटी तो है लेकिन आप उस एबिलिटी को बहुत 100% कैपेबल, क्योंकि हम अपने दिमाग का बहुत कम परसेंटेज यूज करते हैं, साइंस जो कहता है, तो हम अपने ऑप्टिमाइज यूसेज नहीं कर सकते, तो ऑप्टिमाइज यूसेज ना करने के लिए क्या करना चाहिए भी? आपको अच्छे से फिर एक फोकस रहना चाहिए। तो लाइव बैच भी है, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, कोर्स का प्राइस अभी फ्रीडम सेल चलाया हुआ है तो 499 का आपका कोर्स का प्राइस है टोटल, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कूपन कोड्स वगैरह अवेलेबल है, डिस्कशन है, सारी चीजें। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास को स्टार्ट करेंगे और शाम को ही हम सारे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको बहुत अच्छा एक वैल्यूएबल कंटेंट आज डिलीवर्ड होगा आप लोगों के लिए, और आज के बाद सारे ही कंटेंट आपको अच्छे मिलेंगे। आप कमेंट में एक बात बताइएगा कि थोड़ा के भाई, हाँ थोड़े से बाल थोड़े से उड़ गए हैं, कोई बात नहीं, तो आप कमेंट में ये बताइएगा थोड़ा सा कि वॉइस क्वालिटी आपको अब अच्छी लग रही है, पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ, नहीं तो फिर मैं इस पे और काम करूंगा, क्योंकि मैंने जो भी सेविंग वगैरह थी, इन्वेस्टमेंट मैंने काफी हद तक खर्च कर दिया पूरा इसके ऊपर, माइक लिया है, माइक जो है आप देख रहे हो कि सनाइजर का माइक है, मैंने बताया भी था तो 30-1000 के आसपास तो माइक ही था, फिर मैंने अपना सेटअप किया, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को छोड़िए, बस मेरा यही प्रॉमिस है कि आपको क्वालिटी में हम कमी नहीं आने देंगे, ठीक है ना, और आप सब्सक्राइबर में कमी मत आने देना, मैं अपनी गारंटी पे अड़ा हूँ, आप अपनी गारंटी पे अड़े रहो, ठीक है।
तो चलिए सर, ज्यादा लंबी बातें हो जाती है कई बार, अब टाइम है तो देखो इतनी सारी बातें भी निकल गई। थैंक यू सो मच, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। एंड अगेन थैंक यू सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, इसी तरीके से करते रहिए। और आप अपने फीडबैक भी दीजिए, वीडियो की क्लियरिटी, पिक्चर क्लियरिटी, और लाइक आपका और भी जितनी चीजें हैं जो भी कमी लगती है कि सर ये चीजें हो जाए तो बेटर है, तो मैं उस पर जरूर 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 काम करूंगा। अगेन थैंक यू सो मच।